أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मोहम्मद सल्ला जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अज़राहे निफ़ाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक खुदा के पैगंबर हैं और खुदा जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो लेकिन खुदा जाहिर किए देता है कि मुनाफिक दिल से एतक़ाद न रखने के लिहाज से झूठे हैं उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को राह खुदा से रोक रहे हैं कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई सो अब ये समझते ही नहीं और जब तुम उनके तनासुब आजा को देखते हो तो उनके जिसम तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं और जब वो गुफ्तु करते हैं तो तुम उनकी तकरीर को तवज्जो से, से लगाई गई उन खुदा उनको हलाक करे ये कहां बह के फिरते हैं और जब उनसे कहा जाए की आओ रसूल खुदा तुम्हारे लिए मगफिरत मांगे तो सर हिला देते हैं और तुम उनको देखो कि तकबर करते हुए मुंह फेर लेते हैं तुम उनके लिए मफ्रत मांगो या न मांगो उनके हक में बराबर है खुदा उनको हरगिज न बख्शेगा बेशक खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता ये जो कहते हैं कि जो लोग रसूल खुदा के पास रहते हैं उन पर कुछ खर्च न करो यहां तक कि ये खुद ब खुद भाग जाए हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने खुदा ही के हैं लेकिन मुनाफिक नहीं समझते कहते हैं कि अगर हम लौट कर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे हालांकि इज्जत खुदा की है और उसके रसूल की और मोमिनों की लेकिन मुनाफिक नहीं जानते मोमिनो तुम्हारा माल और औलाद तुमको खुदा की याद से गाफिल न कर दे और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा उठाने वाले हैं और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि अ मेरे परवरदिगार तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों न दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता जब किसी की मौत आ जाती है तो खुदा उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है